राधे राधे, आज हम बहुत ही यूनिक सब्ज़ी बनाने वाले हैं। ये आलू लिए हैं छोटे साइज़ के मैंने, और इनको बॉईल करके छील लिया है मैंने। और अब मैं कढ़ाई लूँगी, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और अब आलू डाल देंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है, आलू हमें फ्राई करने हैं। और आलू इधर उधर पलट के मैंने फ्राई कर लिए हैं, और मैं इनको अब निकाल लेती हूँ। आलू कलर चेंज हो चुका है, आलू हमारे तल चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी अब। इसके बाद इसी कढ़ाई के ऑयल में मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, और इसमें मैं कुछ खड़े मसाले लूँगी। जो खड़े मसाले में एक दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, 2-3 लौंग, काली मिर्च, ये डाल के हम इस कढ़ाई में, तेल गर्म है हमारा, ये मसाले डाल दिए हैं मैंने। और इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं और इनको भुनने देते हैं। और इसके बाद मैंने 2-3 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक डाल दी है, इनको भी भुनने देते हैं। और इसके बाद मैं 3-4 पके टमाटर लाल कलर के पीस के ग्रेवी बना ली थी, और ये डाल देते हैं। इसमें मैंने लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये सब्ज़ी मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत बगैर लहसुन के प्याज के ही टेस्टी बनाने वाली हूँ। और ये आलू जो तले थे ना, इनमें फोक की सहायता से एक एक टच लगाएंगे, जिससे मसाले अंदर तक जाएँ। और मसाला हमारा भुन रहा है, तो मैं इसमें कुछ मसाले और डाल देती हूँ। हल्दी 1 चम्मच और कश्मीरी मिर्च 1 बड़ी चम्मच, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें वो धनिया पाउडर डाल देती हूँ। मिर्च नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, इसमें जैसा आप खाते हैं वैसा ही डालें, मैं अपने हिसाब से डाल लूँगी। और ये मैंने लिया है खसखस, खसखस पानी में गला के रख दी थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। आप इस खसखस को मटर पनीर में भी डालें तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इससे, और इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और इसके बाद मैं नमक डालूँगी, पहले नमक नहीं डाला। अब इसको हम चलाते रहेंगे लगातार, क्योंकि खसखस नीचे से लगती है, जिससे तले में लगे ना। और इसके बाद मैंने 1 बड़ी चम्मच मलाई ली है, जिससे क्रीमी स्वाद आएगा। खसखस से भी बहुत ही क्रीमी स्वाद आता है सब्ज़ी में, अगर एक बार इसको यूज़ करके देखना और सब्ज़ी बनाना इस तरीके की, बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसमें लहसुन प्याज की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होगी, और बहुत ही सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब मसाले हमारे भुन चुके हैं लगभग, थोड़ा और भून लेंगे। और इसके बाद मैं आलू डाल दूँगी इसमें, और आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं। वैसे टमाटर हैं इसमें, और मैं इसमें 1 कटोरी पानी डालूँगी, और इसको मिक्स कर लेंगे। कम से कम इसके बाद भी हमें ये कम से कम 3-4 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो पकाना ही है। और इसको मैं ढक के रख देती हूँ, पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुकी हैं, ढक्कन उठा लिया है मैंने, और आप देख सकते हैं सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। और इसके बाद मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ थोड़ा सा, और ये कश्मीरी मेथी डाल देती हूँ, कसूरी मेथी, और इसको हम चला लेंगे। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनी है, आप देखने में आप कितनी अच्छी लग रही है। और मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ, और दम आलू हमारे बन के तैयार है बगैर लहसुन प्याज के। एक बार ट्राई करें, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने तो खाए, आपको इसलिए बता रही हूँ। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली रेसिपी में, धन्यवाद।